बुलंदशहर क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कनेक्शन का खुलासा किया है। स्वात टीम क्राइम ब्रांच और देहात पुलिस की संयुक्त टीम ने जवाहिद नाम के एक संदिग्ध को गिरफ्तार करते हुए खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि जवाहिद इंडिया में रहकर आईएसआई के लिए जासूसी का काम कर रहा था। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आईएसआई का जाल एक बार फिर से उजागर हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर यूपी के जनपद बुलंदशहर स्वाट टीम क्राइम ब्रांच और देहात पुलिस की संयुक्त टीम ने अपनी लोकल इंटेलिजेंसी की मदद से एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि एजेंट पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को पहले रोहतक के बारे में गोपनीय सूचना दे चुका है, जबकि ये संदिग्ध मेरठ के कैंट के भी कुछ फोटोग्राफ्स आईएसआई को भेज चुका है। इतना ही नहीं, पुलिस का दावा है कि पुलिस ने इस संदिग्ध से मेरठ कैंट के गोपनीय दस्तावेज आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है और ये जो हमारे सूचना विभाग और पुलिस विभाग जांच कर रहा है, ये बता अभी उसके बाद ये निकल के आ पाएगा कि कितनी बार सूचना है इसके द्वारा अभी तक प्रेषित की गई है। और सर, ये जासूसी कब से है? ये पिछले 5-6 सालों से लगा हुआ है और इसके पास से जो दस्तावेज मिले हैं वो उसमें मेरठ कैंट का एक नक्शा है और अन्य प्रतिबंधित जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं सेना से संबंधित वो मिले हैं। उनको हम लोग इंटेलिजेंस विभाग से और इनसे और वेरीफाई करा रहे हैं। वहीं अब पकड़े गए संदिग्ध से कई जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर अन्य जानकारी जुटाने में जुटी हैं। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या इसके कुछ और साथी पाकिस्तान कनेक्शन हैं। संदिग्ध बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के तरीनान का रहने वाला है। बुलंदशहर एसपी सिटी का दावा है कि संदिग्ध पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के साथ देश की गोपनीय जानकारी शेयर करने के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस के मुताबिक ये संदिग्ध 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। इस दौरान ही संदिग्ध की पाकिस्तानी एजेंसी से मुलाकात हुई होगी। पुलिस का दावा है कि संदिग्ध स्काइप और व्हाट्सएप के जरिए भारत से गोपनीय जानकारी पाकिस्तान पहुंचा रहा था। वही संदिग्ध जाहिद के परिजन संदिग्ध को बेगुनाह बता रहे हैं। पकड़े गए युवक के परिजनों का कहना है कि उनकी पाकिस्तान के कराची में रिश्तेदार रहते हैं, जिस वजह से वहां बातें की जाती हैं। साथ ही आरोपी के परिजन पुलिस से निष्पक्ष जाँच की मांग कर रहे हैं। संदिग्ध के परिजनों का ये भी कहना है कि अगर जाहिद गुनहगार पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी पाकिस्तान में रिश्तेदार है, नाना नानी मामू मामी हैं, खाला जा रहे हमारी, और वहाँ से लोग भी आते हैं, यहाँ से भी गए हैं। और हमारे जाहिद को भी काफी दिन हो गए हुए, वो बातचीत करता रहता है फोन पे, और हम भी करते हैं, हमारे ऐसी कोई वो नहीं है, कभी कभी करते हैं। पुलिस बता रही है कि वहाँ की जो एजेंसियाँ होती हैं उनके लिए जाहिद काम कर रहा है? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं करता। वो तो यहाँ पे 25 साल से काम कर रहा, 25 साल से काम करते करते हुए फैक्ट्री में टाटा जो वो अधरी इनके वहाँ। तो कभी जेल गया है यहाँ भारत में? हो नहीं, मुझे ध्यान है नहीं, मुझे कभी ऐसा गए ना, कोई ऐसा वास्ता ही ना पड़ा। ये तो काम से काम रखता है, सुबह को जाता शाम को आता फैक्ट्री से। हालांकि पुलिस की स्पेशल टीम जांच एजेंसियां आरोपी से लगातार पूछताछ कर रही हैं। साथ ही जांच एजेंसियां से ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि संदिग्ध अकेला ही आईएसआई एजेंट के रूप में काम कर रहा था या फिर इसके साथ कुछ और भी लोगों का आईएसआई से कनेक्शन है। ताहिर सैफी, टोटल न्यूज, बुलंदशहर। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सीटों के बंटवारे को लेकर शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की। लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस घोषणा के बाद एक चर्चा ये चल पड़ी है कि बिहार में एनडीए के सहयोगी केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी और रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी का इस पर क्या रुख रहेगा। हालांकि इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव से अरवल में मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत हुई है। उधर दूसरी ओर यह भी सामने आ रहा है कि एलजेपी 7 से
कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर राजी नहीं है, जबकि बीजेपी इतनी सीटें देने पर तैयार दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सवाल दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर भी अब खड़े हो रहे हैं। हालांकि चर्चा है कि पासवान खराब सेहत के चलते लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते और इसके बदले वो राज्यसभा में जाना पसंद करेंगे। ऐसे में संभावना ये जताई जा रही है कि उनकी पार्टी 7 सीटों की मांग से पीछे हट जाए और बीजेपी जिन सीटों पर बात करे उस पर दोनों पार्टियों में सहमति बन जाए। हालांकि इसके बारे में जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती है तब तक ये महज कयास ही है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू में सीट शेयरिंग का ऐलान होने के बाद एलजेपी नेता चिराग पासवान ने काफी सावधानी के साथ बयान दिया है और ये कहा है कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन को और मजबूत करने में लगी है। हालांकि बाद में कई एलजेपी नेता शाह और नीतीश के सीट शेयरिंग फॉर्मूले से नाराज भी दिखाई दी और जेडीयू की दिए जा रहे वचन पर इशारे में ही नाराजगी भी जाहिर की गई है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि एलजेपी को 6 सीट दी जा सकती है, जबकि पासवान की पार्टी 7 से कम पर बिल्कुल भी तैयार नहीं दिख रही है। सूत्रों की माने तो अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहते हैं तो बीजेपी को 16 सीट, जेडीयू को भी 16 सीट और एलजेपी को 5, आरएलएसपी को 2 और इसी के साथ जो आरएलएसपी से निलंबित अरुण कुमार हैं उनको एक सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। इन सीटों के गणित पे एलजेपी और आरएलएसपी का नाराज होना साफ दिखता है क्योंकि बिहार एलजेपी के अध्यक्ष और पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस खुलेआम बोल चुके हैं कि उनकी पार्टी को 7 से कम सीटें नहीं चाहिए। ऐसे में तो सीटों की कमी बीजेपी के साथ संबंधों में खटास भी ला सकती है, लेकिन पासवान को राज्यसभा से भेजने की रणनीति आगे इसमें दांव पर भी लग सकती है। तो अगर हम लोग को नहीं पूछा जा रहा है तो घाटा किसको होगा? हम ही लोग को प्राइम मिनिस्टर बनना है क्या? जिनको प्राइम मिनिस्टर बनना है, जिनको सरकार बनानी है, उनको नहीं चिंता होना चाहिए? हम लोग क्या चिंता है, हम लोग तो खुश है। लेकिन नीतीश जी को तो ज्यादा तवज्जो मिल रहा है, उनको तो इक्वल, अब तो बोल चुके हैं कि आधा आधा सीट पर चुनाव लड़ेंगे। अब अगर बीजेपी को लगता है कि नीतीश कुमार के पास ही ज्यादा वोट है, क्योंकि मुझे तो लगता था कि भाई बीजेपी में आरएसएस बुद्धिमान लोग का जमात है, लेकिन अगर इस तरह का निर्णय ले रहे हैं तो हमारा तो सोच बदल जाएगा। नहीं, वो तो मैं बहुत पहले डिक्लेयर कर चुका हूं कि नीतीश कुमार का जो 5 साल का शासन था बहुत ही शानदार था, जितना आप सीट कीजिए कम होगा, लेकिन 5 साल के बाद उनका कोई उपलब्धि नहीं है और बिहार के मैक्सिमम आम जनता नीतीश कुमार को नफरत के निगाह से लोग देख रहा है। इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो एनडीए का हार को कोई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मतदान में अब महज 25 दिन बचे हैं और ऐसे में अब की बार किसकी सरकार बनेगी इसके लिए एक एक दिन काफी मायने रखता है। चुनाव के दिनों में नेता एक दिन में 10-10 गांव का भी दौरा करते हैं और आखिर के 4 दिन तो पूरा माहौल बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन एक और जहां बीजेपी अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अभी तक अपने 72 प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। आलम यह है कि कांग्रेस बार बार सूची जारी करने का समय निर्धारित करती है लेकिन बाद में फिर इसे टाल दिया जाता है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या चुनाव प्रचार और चुनाव से जुड़े कार्यों में कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले पीछे तो नहीं रह गई है? इसको लेकर जहां बीजेपी नेता खूब चुटकी भी ले रहे हैं तो वहीं कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि लिस्ट में देरी से कोई फर्क नहीं, उसके चुनावी अभियान में नहीं पड़ेगा। बहरहाल अब तो यह वक्त बताएगा कि कांग्रेस के लिए उम्मीदवारों के चयन की देरी कितनी भारी पड़ेगी। लेकिन इस बीच बीजेपी प्रत्याशियों ने न केवल टिकट न मिलने पर नाराज होने वाले दावेदारों को मना लिया है बल्कि नामांकन फॉर्म खरीदकर भरने की प्रक्रिया भी अब शुरू कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने 18 उम्मीदवारों का ऐलान तो पहले ही कर दिया था लेकिन बाकी बचे 72 उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस लगातार पशुपेश में दिख रही है। इससे तो उससे मिलेगा, कांग्रेस कंफ्यूज में है किसको बनाए कैसे करे क्या है और हताशा क्या स्थिति कारण से अभी तक से घोषित नहीं कर पाए हैं।
आवाज घोषित करने को बताया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज भी ये घोषित कर पाएंगे। इससे कांग्रेस पार्टी को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। पिछले 5 सालों से हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, सभी सिपाही लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। आने वाले दिनों में हमारे प्रत्याशी के नाम जैसे भी तय हो जाएंगे, घोषणा कर दी जाएगी, स्वतः ही हमें जनता का जन समर्थन दिखेगा, जिससे साबित हो जाएगा जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। लेट होने से 4 दिन आगे नहीं हो गई भाजपा? इससे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5 साल से लगातार कांग्रेस के हमारे प्रत्येक सिपाही बूथ से लेकर जिले तक के सभी तक सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय हैं। आने वाले दिनों में स्वतः अपने प्रचार सामग्री जब्त होने से परेशान छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार सामग्री के वितरण के लिए 1 की बजाय 10 मालवाहकों की अनुमति देने की मांग की है। मंत्री राजेश मूणत के साथ पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी के प्रवक्ता सचिनानंद उपासने के मुताबिक वे निर्वाचन आयोग को चुनाव के दौरान प्रचार सामग्री के वितरण को लेकर आ रही समस्या से अवगत कराने आए हैं, क्योंकि पहले चरण में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रचार सामग्री नहीं पहुंच पाई है, तो प्रत्याशी प्रचार आखिर कैसे करेंगे। उन्होंने ये भी बताया है कि जहां जहां बैरियर लगे हैं वहां प्रचार सामग्री लेकर जा रहे वाहनों को रोक कर गाड़ियों के साथ प्रचार सामग्री को भी जब्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पदाधिकारी से प्रत्याशी को प्रचार सामग्री समय पर मिल पाए इसकी व्यवस्था करने की बात कही गई है। वहीं इस मामले में निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि इस संबंध में वो दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे, जिसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। तब तक इस प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। दरअसल बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा है कि नाम वापसी से केवल 15 दिनों का समय मतदान के लिए होता है। इतने कम समय में सभी 90 विधानसभा में प्रचार सामग्री नहीं पहुंचाई जा सकती है, तो यह प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में चुनाव प्रचार सामग्री मुद्रण और प्रकाशन की समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसे ध्यान में रखते हुए 1 की बजाय 10 मालवाहक वाहनों की अनुमति दी जाए। उसमें हमने कहा है कि इसका सरलीकरण किया जाए, भले हमारे से आप जो सामग्री है उसकी मात्रा कितनी जा रही है इसकी जांच कर सकते हैं, वो ज़्यादा पाई जाती है तो आप कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो गाड़ी के साथ बिल की मांग की जाती है, जबकि हर एक राजनीतिक दल सेंट्रलाइज जो है अपने पार्टी का प्रचार सामग्री प्रकाशित करा कर प्रत्याशियों तक पहुँचाता है, उसमें छोटी मात्रा में बिल नहीं होते हैं, एक बड़ी मात्रा में जो सेंट्रलाइज व्यवस्था है उसके बिल होते हैं, लेकिन लेटर पैड पर लिख कर जो है कितनी सामग्री जा रही है और कितनी सामग्री हमने कहाँ से परचेस की है, कहाँ प्रिंट कराई है, उसका उल्लेख करते हुए हम उसको भेजते हैं, उसको माना जाए, इस प्रकार का निवेदन हमने किया है। आश्वस्त किया गया है कि आपका ज्ञापन दिल्ली भेजा जाएगा और सोमवार तक उस पर जो निर्णय होगा तब तक जो व्यवस्था। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार को जड़ से उखाड़ देने की खुली चुनौती देने वाले कंप्यूटर बाबा अब न्यायालय की शरण में पहुंच गए हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर कंप्यूटर बाबा ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है। कंप्यूटर बाबा का आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और इसकी शिकायत वो तमाम अधिकारियों से भी कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कंप्यूटर बाबा ने हाई कोर्ट में दायर की रिट पिटीशन में प्रिंसिपल सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और कलेक्टर को भी पार्टी बनाया है और विशेष सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। कंप्यूटर बाबा का यह कहना है कि वह हर हाल में नर्मदा को बचा कर ही रहेंगे। शिवराज के राज में मध्य प्रदेश में गौ की हत्या हो रही है, इसके अलावा मठ मंदिरों के लिए कभी शिवराज कुछ नहीं करवा पाए। तो वहीं कंप्यूटर बाबा ने यह भी कहा है कि कोई भी षड्यंत्र अगर मेरे पीछे रचा गया या मेरी मौत हुई तो मुझे नर्मदा के लिए मरना पड़ा तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार शिवराज सिंह ही होंगे। शिवराज सरकार ने जो किया है उससे हम संत समाज बेहद नाराज हैं, इसीलिए हमें शिवराज सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं और मैं नर्मदा के प्रति जो है मैं जी जान लगा के नर्मदा को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अवैध रेत खनन के लिए मैं शुरू से 2009 से लड़ रहा हूँ, जो मेरे पास प्रूफ है, आज भी 9 साल तक लगातार मैं लड़ाई करते आ रहा हूँ और इसके तहत मैंने सुरक्षा की दृष्टि से मैंने मुख्य चुनाव आयुक्त, हमारे मध्य प्रदेश के आईजी, कलेक्टर, एसपी और डीआईजी सभी को मैंने पत्र लिखा, किंतु आज तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई। इसलिए मुझे परवश में फिर
न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इंदौर हाई कोर्ट में मैंने एक याचिका दाखिल की है और मेरे वकील हमारे चंद्रशेखर जी हैं, उनके द्वारा मैंने रिट दायर की है। और जब से मैंने वो एक संत समागम संतों के मन की बात करी तब से और ज़्यादा मुझे रिएक्शन हो रहे हैं। तो मैंने फिर इसके अलावा जब देखा कि कोई मेरी बात को सुनी नहीं जा रही है, ना कलेक्टर सुन रहे हैं, ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना चुनाव आयुक्त तो सुन रहे हैं, तो फिर इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मुझे न्यायालय की शरण में जाना। न्यायालय की शरण में जाकर के मैंने विशेष सुरक्षा मांगी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई भी षड्यंत्र मेरे पीछे रचा या मेरी मौत हुई या मुझे नर्मदा के प्रति मानना पड़ा तो मैं तैयार हूँ, परंतु इसकी सारी जिम्मेदारी शिवराज की हो। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इंदौर में कुत्ते चुनाव का मुद्दा बन गया। जी हां, इंदौर के मशहूर राजवाड़ा बाजार इलाके विधानसभा 3 में लोगों ने पोस्टर लगाकर कुत्तों की समस्या के चलते चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। जिस शहर का नगर निगम पिछले 2 सालों से देश का सबसे साफ शहर होने का तमगा लेकर अपनी पीठ थपथपा रहा है, उस शहर के लोगों ने नगर निगम की लापरवाही से परेशान होकर चुनाव के बहिष्कार का मूड बना लिया है। इंदौर के मशहूर राजवाड़ा बाजार के कुंवर मंडली इलाके में लोगों ने पोस्टर लगाकर वोट न देने की घोषणा कर दी है। राह चलते लोगों और बच्चों को काटते रहते हैं, सड़कों पर आवारा कुत्ते भी घूमते रहते हैं। अब इस बात से आक्रोशित लोगों ने राजनीतिक दलों के खिलाफ विरोध का नारा बुलंद कर दिया है। कुत्तों का आतंक है पूरे, मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ अगर ये अगर यहाँ का बोले तो यहाँ तो बहुत ज्यादा है, पूरे इंदौर में है। और रविवार को मैंने 2:45 बजे इस पर सीमेंट प्लांट पे कंप्लेंट करी कि इस तरीके की ये शिकायत है, मतलब इसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो बोले हम तुम्हारी तरफ से तो हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोकल स्तर पर करें। मैंने लोकल स्तर पर भी हम कर चुके हैं और उनने बोला ठीक है आपकी शिकायत ले लेते हैं। और 5:15 बजे निराकरण का उसका मैसेज आता, रविवार को पूरे हिंदुस्तान में कोई सा भी ऑफिस नहीं खुला रहता सरकारी, ये तो आप भी जानते अच्छी तरह है ना। 2 घंटे में 2 घंटे में किसी भी निराकरण नहीं हो पाता है और भोपाल से शिकायत इंदौर आती है और उसके आप अपने आप ही शिकायत उनके स्तर पर ही वो निराकरण कर देते। उसके बाद सोमवार को मेरे घर में वापस मैसेज फोन आता है भोपाल से कि आपकी जो शिकायत है उसका निराकरण होगा, मेला किसी भी तरह का नहीं हुआ है, ही नहीं। अब जब चुनाव आएगा उसमें जो होगा बहिष्कार करे दे, बहिष्कार करना ही पड़ेगा ना। ये इलाके में पोस्टर टांग दिए गए हैं और आम लोग खुद निकल कर कुत्तों की धरपकड़ कर रहे हैं। लोग अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो उनकी शिकायत बिना समाधान के खत्म कर दी जाती है। कुत्तों को एक गली से पकड़कर दूसरी गली में छोड़ दिया जा रहा है, ऐसी स्थिति में लोगों का जीना दूभर हो गया है। हर जगह मैं शिकायत कर रहा हूँ, लास्ट 9 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक मैंने कम से कम 5 से 6 बार लास्ट ईयर भी मैंने शिकायत की थी आवारा कुत्तों के लिए। उस समय भी 4-5 लोगों को यहाँ पर कुत्ते काटे थे, मगर वो सुप्रीम कोर्ट का पता नहीं कौन सा एक आदेश का वो दिखा रहे थे कि नजबंदी करके हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन नगर निगम में मैंने जो नए नए कुत्ते के बच्चे हुए थे उनके भी फोटो लेके उनकी ऐप में 311 में डाले, लेकिन उसका भी बोले निराकरण कर दिया गया है। वो सारी चीज़ें, शनिवार को मेरा बच्चा यहाँ पर नीचे ही खेल रहा था दूसरे बच्चों के साथ में, एक कुत्ता आया और आके पहले उसको धक्का दे के गिराया कुत्ते ने और उसके पूरा काट गया, उसके 3 दांत अंदर पूरे बन गए। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने एडमिशन का बोला, 1 दिन का एडमिशन किया उसका, उसको रेबीपुर इंजेक्शन और जो भी इम्यूनाइजेशन वगैरह जितना चल रहा है वो सभी चल रहा है। एक ओर जहां लोग कुत्तों के आतंक से परेशान हैं तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन को उनकी कोई सुध नहीं। शायद यही वजह है कि अब इस मामले में इंदौर की महापौर मालिनी गौड़ से बात की गई तो उन्होंने मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। देवेंद्र भामदरे, टोटल न्यूज, इंदौर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने अब एक नई मुहिम शुरू करने का ऐलान किया है। 15 नवंबर से शुरू होने वाले इस मुहिम के तहत VHP हरेक सांसद के पास जाकर उनसे राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग मांगेगी ताकि राज्यसभा में कानून लाकर राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया जा सके। विश्व हिंदू परिषद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के फैसले में हो रही देरी से उम्मीद खो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण के लिए अब राज्यसभा में कानून पास कराने के लिए एक मुहिम शुरू करने जा रही है। इस मुहिम के तहत विश्व हिंदू परिषद देश के सभी सांसदों के पास जाकर उनसे राम मंदिर निर्माण के लिए समर्थन मांगेगी ताकि संसद में कानून पास कराकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू किया जा सके।
धर्मनगरी प्रयाग पहुंचे वेब के कार्यकारी अध्यक्ष का कहना है कि राम मंदिर की सुनवाई कोर्ट में 68 सालों से चली आ रही है, लेकिन कोई निश्चित फैसला अभी तक नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। लग रहा था कि मंदिर निर्माण के हक में फैसला जल्द ही आ सकता है, इसलिए संत समाज इंतजार कर रहा था। पर सितंबर में उनके रिटायर हो जाने के बाद संत समाज अब आगे की अपनी रणनीति मंदिर निर्माण को लेकर साफ करना चाहता है, ताकि किसी भी सूरत में संसद में कानून बनाकर भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा सके। भारत के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में एक बड़ी जनसभा होगी और जनसभा के बाद वहां के लोगों का एक मास डेलीगेशन वहां के सांसद के पास जाएगा, सब क्षेत्रों में जाएगा, सब पार्टियों के सांसदों के पास जाएगा और उनसे कहेगा कि हम आपके वोटर हैं और आपके मतदाता के नाते हम आपसे यह मांग करने आए कि अपने इसी कार्यकाल में आप संसद में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर के लिए कानून बनाने का समर्थन करें। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये मुहिम भी 15 नवंबर से शुरू करने जा रही है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के सांसदों के पास जाकर उनसे कानून बनाने का समर्थन मांगा जाएगा, ताकि राज्यसभा में बहुमत के साथ बिल पास हो सके और फिर संसद में कानून बनाकर राम मंदिर निर्माण शुरू किया जा सके। उनके मुताबिक राम भक्तों की सरकार है, इसलिए मंदिर निर्माण पर रास्ता जरूर निकलेगा और 31 जनवरी को प्रयागराज में लगने वाले कुंभ में वीप के धर्म संसद में भी मंदिर निर्माण पर संतों से चर्चा करके इसकी तिथि भी घोषित की जा सकती है। 31 जनवरी को धर्म संसद होगी, प्रयाग में होगी। हम उम्मीद करते हैं कि तब तक मंदिर निर्माण के रास्ते में आने वाली सब बाधाएं दूर हो जाएंगी, मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा और अगर कोई कसर तब तक बची धर्म। हालांकि उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए प्रवीण तोगड़िया के बारे में सिर्फ इतना कहा कि राजनीतिक पार्टी बनाने वाले लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं है, इसलिए वो जो प्रयास कर रहे हैं करें। टोटल न्यूज के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।